Hello and welcome students. Today is our day 6 or part 6 of our maths lecture. In previous lecture we solved exercise 9.4. Now we are going to learn addition and subtraction of it. हमने conversion देख लिया, अभी हमें addition और subtraction देखना है. जैसे ही हमने length का addition subtraction किया students, वैसे ही same weight का करना है. To add weights, arrange them in correct columns of units and then add separately. क्या करना है, जो भी example दिया है उसे हमें properly weight के सेपरेट कॉलम में अरेंज करना है और सेपरेटली उसे क्या करना है, ऐड करना है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज ऐड 24 केजी 450 ग्राम्स एंड 32 केजी 250 ग्राम्स. देखो फिर केजी का कॉलम एक है, ग्राम का कॉलम एक है. हमने क्या किया, उन दोनों को अरेंज कर लिया है और हम क्या करेंगे, स्टेप वन में क्या है, ऐड द ग्राम कॉलम. पहले ग्राम का कॉलम ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7. और केजी 24 और 32 केजी को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 इज 6, 2 प्लस 3 इज 5. सो 56 केजी 700 ग्राम इज द फाइनल आंसर. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट. टू सब्ट्रैक्ट वेट, अरेंज देम इन करेक्ट कॉलम्स ऑफ यूनिट्स एंड देन सब्ट्रैक्ट द सेपरेटली. वैसे ही अरेंज करना है और आपको सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ग्राम को पहले सब्ट्रैक्ट करोगे फिर केजी को सब्ट्रैक्ट करोगे. सो एग्जाम्पल इज 38 केजी 556 ग्राम फ्रॉम 49 केजी 796 ग्राम. फ्रॉम बोला है स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. 49 केजी 796 में से 38 केजी 556 ग्राम आपको सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम बोला है, अच्छे से सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम आपको रीड आउट करना है और फिर ही सॉल्व करना है. सो देखो अरेंज किया है केजी और ग्राम में. ग्राम क्या है, 796, 556, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 5 4, 7 माइनस 5 2. हो गया ग्राम का कॉलम. अब केजी का, 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 3 इज 1, 11 केजी 240 ग्राम्स. इसे क्या करना है, आपका फाइनल आंसर है. तो इसी तरह आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है वेट का. बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम. अब आएगा आपका वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने दिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जब एक्सरसाइज लूंगी तब आपको सॉल्व करके बताऊंगी. गौतम्स मदर बॉट 35 केजी 450 ग्राम ऑफ राइस. गौतम के मदर ने 35 केजी 450 ग्राम राइस लाया, 200 केजी 350 ग्राम ऑफ फ्लोर. फ्लोर मतलब आटा, 200 केजी 350 ग्राम. हाउ मेनी ग्रोसरी डिड शी बाय. तो टोटल मिला के, दोनों मिला के कितनी ग्रोसरी उन्होंने बाय की वो आपको लिखना है. तो क्वांटिटी ऑफ राइस बॉट कितनी आई, 35 केजी 450 ग्राम. एक केजी का कॉलम बनाया, एक ग्राम का कॉलम बनाया. क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, जो उन्होंने आटा लाया वो कितना लाया था, 200 केजी 350 ग्राम्स. इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि हमें हाउ मच मतलब पूरी दोनों को मिला के, दोनों के मिला के वेट पूछा है. सो 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 इज 8. हो गया. अब केजी, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 3 2 एज इट इज. सो टोटल वेट ऑफ ग्रोसरी इज 235 ग्राम 800, 235 केजी 800 ग्राम. सो द टोटल वेट ऑफ द ग्रोसरी बॉट इज 235 ग्राम 800, 235 केजी 800 ग्राम. ये आपका फाइनल आंसर है. ये हो गया एडिशन का एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम. अब यस एग्जांपल टू. नेहा सूटकेस वेट 23 केजी 240 ग्राम. नेहा के सूटकेस का वेट 23 केजी 240 ग्राम है, बट द एयरपोर्ट अथॉरिटी अलाउज ओनली 15 केजी 200 ग्राम. लेकिन एयरपोर्ट पर इतना ही आपको लेके जाना अलाउ है स्टूडेंट्स, 15 केजी 200 ग्राम. देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट पे जब आप प्लेन से ट्रेवल करते हो ना, तो वहां पे एक आपको आपके साथ कितना वेट कैरी करना है वो क्या होता है, एक लिमिट होता है. आप बहुत सारा वेट आपके साथ कैरी नहीं कर सकते हो, तो वहां पे कुछ लिमिट होता है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कितना लिमिट दिया है, यहाँ पे 15 केजी 200 ग्राम. लेकिन नेहा के सूटकेस कितनी है, 23 केजी 240 ग्राम है ना, ये तो ज्यादा ही आपको दिख ही रही है. सो हाउ मच एक्स्ट्रा वेट इज नेहा कैरिंग. तो नेहा के पास कितना एक्स्ट्रा वेट है वो हमें अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो वेट ऑफ नेहा सूटकेस कितना है, 23 केजी 240 ग्राम. देखो केजी के कॉलम में केजी लिखा, ग्राम के कॉलम में ग्राम लिखा. वेट शी अलाउड टू कैरी, कितना अलाउड है उसको लेके जाने के लिए, 15 केजी 200 ग्राम. तो इस क्या किया हमने, जो हमें उसके पास टोटल वेट है उसमें से 15 केजी 200 ग्राम हमने माइनस किया, तो जो भी रिमेनिंग रहेगा वो उसके पास उतना ज्यादा वेट होगा.
So 0 minus 0, 0. 4 minus 0 is 4. 2 minus 2 is 0. Now KG. 3 minus 5 is not possible. तो 3 का हो जाएगा 15. 15 में से 5 गए 8. 2 का हो जाएगा 1. 1 minus 1 is 0. तो extra weight she is carrying. कितना है उसके पास extra weight? 8 kg 40 grams. उसका मतलब उसको 8 kg 40 grams उसके पास extra weight है. जो yes. समझ में आया students? ये था एग्जाम्पल नंबर टू. वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर टू है. ये आपको क्या करना है अच्छे से देखना है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एड केजी ग्राम. ये आपको आपके नोटबुक में प्रॉपरली कॉलम ड्रॉ करके आपको सॉल्व करना है. मैं इसको टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व करके दे रही हूं. सो 0 + 4 = 4, 5 + 8 is 13, 1 carry, 4 plus 3 is 7, 7 plus 1 is 8. Sorry, 2 plus 5 is 7. 7 kg 834 gram. Yeah, aapka answer hai A ka B. 6 kg 684 gram plus 7 kg 300 gram. So 4 + 0 = 4, 8 + 0 = 8, 6 + 3 = 9, 6 + 7 = 15. 7 plus 6 is 13, so it is 13 is your answer. So answer is 13 kg 984 gram. See example. 0 plus 4, 4, 5 plus 5, 10, 1 carry. 2 plus 3, 5, 5 plus 1 is 6. 9 plus 6, 15, 1 carry, 1 plus 1 is 2, 25 kg 604 gram. वीडियो को पॉज करके इसे भी आपको नोट डाउन करना है. 2 + 4 = 6, 9 + 6 = अभी हमने किया 9 + 6 = 15, 1 कैरी, 4 + 1 = 5, 5 + 1 = 6, 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7, 79 kg 656 ग्राम. ये आपका डी का आंसर. नाउ ई 16 kg 454 ग्राम प्लस 17 kg 292 ग्राम. 4 + 2 = 6, 9 + 5 = 14, 1 कैरी, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7. सो योर आंसर इज 746 ग्राम. लेकिन केजी तक केजी का कैलकुलेशन आपका बाकी है. सो 6 + 7 = 13, 1 कैरी, हियर इज 3. So 33 kg 746 gram is your answer. Now last is F example. 24 kg 321 plus 16 kg 528 grams. 1 plus 8 9, 2 plus 2 4, 3 plus 5 8, 4 plus 6 10, 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. 40 kg 849 gram is your final answer. देखो एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 ये पार्ट में हमने ले लिया. नेक्स्ट पार्ट में हम 9.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. सो ये पार्ट 1 खत्म हो गया. पार्ट बी में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अगला क्वेश्चन देखेंगे.